जोधपुर से खबर है। दो दिवसीय जोधपुर प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अगुवाई की। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिरकत करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो दिवसीय जोधपुर प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर राज्यपाल को दिया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत कर रहे हैं। और दीक्षांत समारोह की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीर आपके सामने हैं। पहली तस्वीर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यपाल दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की मौजूदगी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्री प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। श्री प्रकाश, राज्यपाल पहुंच चुके हैं दीक्षांत समारोह में, और आगे अब क्या कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है और आगे इसके बाद क्या कार्यक्रम राज्यपाल के हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र कुछ देर पहले ही जोधपुर पहुंचे थे और अब यहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में। तो देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल पहुंच चुके हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में। राज्यपाल की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह हो रहा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल दिए जाएंगे। 19वां दीक्षांत समारोह है ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का। राज्यपाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब कार्यक्रम में मौजूदगी राज्यपाल की। श्री प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। श्री प्रकाश, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम देख रहे हैं। अब जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, उनको मेडल दिए जाएंगे। किन किन सत्र के विद्यार्थियों को मेडल मिलने वाले हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये 19वां दीक्षांत समारोह है और इसमें 78 बच्चे हैं, उनको जो है मेडल दिए जाएंगे। 2021 सत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ मेडल दिए जाएंगे, साथ ही सभी विद्यार्थियों को डिग्री है वो दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि दीक्षांत समारोह का जो नजारा है वह आम दीक्षांत समारोह से कुछ अलग है। यहाँ जो है राज्यपाल भी राजस्थानी साफे में ही बैठे हैं और जो भी डिग्री लेने विद्यार्थी आएंगे उन्होंने भी जो है साफा पहन रखा है, तो एक राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत यह दीक्षांत समारोह वो आयोजित हो रहा है। लगभग 2 घंटे राज्यपाल इस कार्यक्रम में रुकेंगे और उसके बाद राज्यपाल का जो है यहाँ सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम है, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। कल राज्यपाल फुटवेयर डिजाइनिंग के विश्वविद्यालय है उसके दीक्षांत समारोह में जो है शिरकत करेंगे। जी ठीक है, शिवप्रकाश शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दीक्षांत समारोह की शुरुआत।